Hey, what's up everyone, this is Hitesh Jetwani. I am here with the new video, chapter number 2, Lost Spring, standard 12. We have completed part 1 in previous video. This is the part 2 for the story, and the story begins from, so the story begins from here. I want to drive a car where it is actually. Yes, from here. Mukesh insisted on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. तो author जो है अनीश जंग का introduction हमने पहले ही previous video में देख लिया था. Now this chapter is about a boy whose name is Mukesh and he wants to be a motor mechanic. So author ने उनसे पूछा कि do you know anything about cars? क्या तुम्हें कुछ कारों के बारे में पता है? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dreams looms like a mirage amidst in the dust of streets that fills his town, Firozabad. So, यहाँ पे मुकेश आंसर कहता है ऑथर को कि मैं सीख लूंगा और उसका जो ड्रीम है वो कैसा है कि जैसे कि फॉग रहता है ना, फॉग के बीच में से कुछ दिखता नहीं है, वैसे ही इसका जो एम है वो एकदम से धुंधला पड़ा हुआ है. जिसको पता तो है कि उसको क्या बनना है, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक बट ही डजेंट नो हाउ टू बी अ मोटर मैकेनिक. तो यहाँ पे मुकेश जहाँ पे रहता है उस टाउन का भी नाम दिया हुआ है, दैट इज़ फिरोजाबाद. फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट बैंगल्स. एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद इज एंगेज इन द मेकिंग ऑफ बैंगल्स. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड देयर जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमन. इट इज़ अ लैंड इट सीम्ड. तो फिरोजाबाद जो है इट इज़ वेरी फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मानी जाती है. और यहाँ पे लोगों ने अपनी जनरेशन से जनरेशन जो है वो फर्नेसेस मतलब पट्टियों में बिता दी हैं, ग्लास को बनाने में, मतलब ग्लास को वेल्डिंग करने में. मुकेश इज फैमिली इज अमंग ऑफ देम. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर द चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद द हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. दैट इन द लॉ इट इफ इन्फोर्स could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो मुकेश की फैमिली भी इन्हीं फैमिली में से एक है. अगर हम बात करें कि अगर लॉ को अच्छी तरीके से एनफोर्स किया जाए तो तकरीबन वहाँ पर फिरोजाबाद में 20,000 जितने लोग ऐसे हैं, 20,000 जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हम इनमें से बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज दैट इज एक्चुअली लीगल कि किसी भी बच्चे को हम फर्नेसेस के आसपास में काम करने दें जहाँ पे ये अपना पूरा डे लाइट स्पेंड कर देते हैं डिंगी सेल्स जो होते हैं वो भट्टियों में. एंड ऑफन दे लूज देयर आई साइट्स, उनकी आंखें भी जल्दी जो है वो खराब हो जाती हैं. मुकेश इज आईज बीम एज एन वॉलंटियर टू टेक मी होम विच इज प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट. वी वॉक डाउन श्रिंकिंग लेन्स चॉक विद गार्बेज Past tombs that remain hovels in crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with the families of humans and animals coexisting in the primitive states. He stops at the door and one such a house. So, यहाँ पे मुकेश जो है वो author को अपने घर के वहाँ लेके जाने के लिए खुश हो रहा है. और यहाँ पे इनके अगर ये लोग जहाँ पे रह रहे हैं फिरोजाबाद में, तो यहाँ पे घरों की कंडीशन जो है वो कैसी है कि choked with garbages, पुराने घर हैं जो मतलब कचरे से भरे पड़े हुए हैं. क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब दीवारें भी टूटी फूटी सी हैं. वबली डोर्स मतलब ख़राब डोर्स जो बड़े मोटे पुराने टाइप के होते हैं, विंडोज़ नहीं है. और ऐसी फैमिली जहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों साथ में ही रहते हैं. ए स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच अ हाउस, बैंग अ वबली आयरन डोर इन हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन. वी एंटर द हाफ बिल्ड शेक इन द पार्ट ऑफ द टैच विद द डेड ग्रास इज फायरवुड स्टोव ओवर विच ही सेट्स अ लार्जली वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनच ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग इवनिंग मील फॉर दोज फैमिली. तो जैसे ही ऑथर मुकेश मतलब ऑथर जो है मुकेश के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर एक यंग लेडी बैठी हुई थी जो उस समय पे खाना बना रही थी. मतलब बाकी जो एल्यूमिनियम के बर्तन स्पिनच वगैरह बताए गए हैं वो सारे वही हैं. थ्रू हिज आईज विद द स्मोक शी स्माइल्स. शी इज़ अ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन हिज ईयर्स.
She has begun to command respect as a Bahu, the daughter-in-law of the house, already charge over three men, her husband, Mukesh and their father. तो ये जो लड़की जो थी ये मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी एंड शी वॉज गिवन कमांडेड एज अ बहू. शी वॉज टेकिंग चार्ज ऑफ थ्री मैन, जो उनके हस्बैंड थे, मतलब वो जो लेडी थे उनके हस्बैंड, फिर मुकेश उनके देवर थे और उनके फादर मतलब उनके जो ससुर जी थे वो. वेन द ओल्डर मैन एंटर शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड बिहाइंड एंड ब्रिंग्स अ वील क्लोजर हर फेस एज अ कस्टम डिमांड्स. डॉटर इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविशन बैंगल मेकर्स. Despite a long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them and what he knows, an art of making bangles. तो यहाँ पे बताया गया है कि एक tradition के हिसाब से जो बहू रहती है वो जो घर के एल्डर मेल मेंबर्स रहते हैं उनके सामने उनको वेल डालना पड़ता है, मतलब उनको घूंघट रखना पड़ता है. दूसरा, जो मुकेश के फादर थे वो दो ही चीज़ कर पाए हैं, मतलब एक तो अपना जो हाउस था वो रीबिल्ड करवा रहे थे, दूसरा मुकेश और मुकेश के भाई को भी पढ़ा पा रहे थे और उनके पास सिर्फ एक ही आर्ट थी, दैट वाज मेकिंग बैंगल्स. इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड टू गो ब्लाइंड विद द डम ऑफ डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन. शी इम्प्लीमाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स. दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद. तो यहाँ पे जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो ऑथर को बताते हैं कि इनके कर्म है, ये इनकी डेस्टिनी है. और शी ऑल्सो सॉ के उनके जो हस्बैंड हुआ करते थे वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कैसा हो गया, इनकी डेथ हो चुकी थी. एंड शी वॉज जस्ट इमेजिनिंग के क्या इस लाइन एज को कोई तोड़ पाएगा. मीन्स दे आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स इन द फिरोजाबाद. सो स्पिरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो. तो यहाँ पे जो है वो बैंगल्स के कलर्स बताए गए हैं. लाइज इन द माउथ्स ऑन अनकैप्ड यार्ड्स एंड पाइल्स फॉर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पुश्ड बाय अ यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन एंड इन डार्क हटमेंट्स. नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स द फ्लकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग द पीस ऑफ कलर ग्रास इन टू द सर्कल ऑफ बैंगल्स. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू अ लाइट आउटसाइड. That is why they often end up their losing eyesight before they become adults. तो यहाँ पे क्या है कि फिरोजाबाद की हर एक गली में बैंगल्स बनाई जाती हैं. आप घर के अंदर देखो, घर के बाहर देखो या उनकी स्ट्रीट्स में देखो तो हर जगह पे आपको क्या दिखेंगे, बैंगल्स दिखेगी. एंड द पीपल आर प्रिपेयरिंग बैंगल्स. फिर क्या करते हैं उसको एक छोटे से अगर हम बात करें तो कैरेजेस वगैरह में लेके मार्केट की तरफ इसको बेचने निकल जाते हैं. हर एक घर के जो बच्चे हैं जो हैं वो अपने पेरेंट्स, अपने मदर एंड फादर को इन सब चीज़ों के लिए हेल्प कर रहे हैं और उनकी आँखें जो हैं वो ऐसे एडजस्ट हो चुकी हैं कि वो रात में ज़्यादा देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते. एंड दे ऑल्सो लूज देयर आई साइज वेन दे बिकम यंग. सविता, यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस, sits alongside with an elderly woman shouldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps to make. तो यहाँ पे एक सविता करके लड़की है जो बैंगल्स बना रही है और वो इतना फास्ट काम कर रही है. शी इज़ लाइक वर्किंग एज अ मशीन, क्योंकि उसको बहुत अच्छी खासी काम में स्पीड आ चुकी है. बट ऑथर शी वॉज थिंकिंग कि अगर वो जो बैंगल्स बना भी रही है उसकी पवित्रता के बारे में जानती है कि नहीं. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspicious in her marriage. It will dawn on her sudden one day when her head wrapped with the red veil, her hands dried in a red with henna. So yahan pe henna jo hai that is a mehndi and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride. To yahan pe bataya gaya hai ki Savita ke sath bhi ek din aisa hoga. Savita ne jab अपना वेल मतलब लाल कलर का वेल मतलब घूंघट पहना होगा, उसकी शादी हो रही होगी, उसके हाथ में हैना मतलब मेहंदी लगाई जाएगी और उसको बैंगल्स पहनाई जाएगी, तो उसको वो उस समय पे क्या बन जाएगी, ब्राइट बन जाएगी, दुल्हन बनाएगी. लाइक एन ओल्ड वूमन बिसाइड हर बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर ब्रेस्ट बट नो लाइट इन हर आइज. एक वक्त सर
एक वक्त सर पर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन ऑफ जॉय शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ. तो यहाँ पे ऑथर वही बता रहे हैं कि सविता भी एक दिन ऐसे ही शादीशुदा हो जाएगी, जैसे उनके पास में एक ओल्डर लेडी बैठी हुई है और उनके आँखों में जो है वो अभी भी वो बैंगल्स हैं, बट उनकी आँखों में वो चमक नहीं दिख रही है. और वो जो ओल्ड लेडी वो ऐसा बोल रही है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया है. नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम. दैट्स वॉट शी हैज़ रिप Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I knew nothing except bangles. All I have done is make house and family live in." तो उनके जो हस्बैंड है वो ऐसा ही बता रहे हैं कि मुझे और कोई काम नहीं आता है, मुझे सिर्फ बैंगल मेकिंग आता है और मैंने अपनी लाइफ में जो है वो एक घर बना लिया, वो बहुत बड़ी चीज़ कर ली. Hearing him once wonders if she has achieved what many has failed in lifetime. He has a roof over his head. तो ये जो पर्सन जो है, मतलब वो जो ओल्ड लेडी जो थी, उनके हस्बैंड जो इस तरीके से बता रहे थे, ही वॉज जस्ट फीलिंग प्राउड कि क्योंकि जो बैंगल मेकर कास्ट है वो अपना घर तक नहीं खरीद पाते हैं, बट ही वॉज एबल टू डू दैट. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. द यंग मैन ईक ऑफ लेमेंट एल्डर्स लिटल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्ड इन द फिरोजाबाद इयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव्स एंड एबिलिटी टू ड्रीम. तो यहाँ पे हर एक घर में झगड़े होते रहते हैं पैसे ना होने की वजह से, और ये ईको जो है वो हर जगह सुनाई देता है. और जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको वही काम करना है. इन बैंगल मेकर कास्ट में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी भी तरीके का इनिशिएटिव कर पाए, अपने सपनों को साकार कर पाए. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even we get organized, we are the ones who will hauled up by the police, beaten and dragged into the jail for doing something illegal. तो यहाँ पे ऑथर ने इन सब मैन को बोला कि तुम सब लोग इकट्ठा होकर कोऑपरेटिव बन के काम नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब तो क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे, इनके फोर फादर जो थे, ये सारे ही जो डेप्ट के चक्र में फंसे हुए हैं. एंड दे आर गिविंग आंसर कि अगर हम कुछ ऐसा कोऑपरेटिव जैसा करेंगे भी तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, दे वुड ड्रैग अस इनटू द जेल एंड हमें मारना शुरू कर देंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. तो यहाँ पे वो इलीगल चीज़ जो है वो दैट इज़ चाइल्ड लेबर, क्योंकि लोग बच्चों से भी काम करवा रहे हैं. दे से देयर इज नो लीडर अमंग ऑफ देम, नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to great into the injustice. तो ये बता रहे हैं कि इनमें कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इनको इसमें से बाहर निकल पाए, और इनके पेरेंट्स भी यही सब चीज़ों से थक चुके थे और इनका भी सेम ही हाल है. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste which they are born, and other vicious circles of the shaukas, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage of the child and they cannot put down. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑथर ऐसा बता रहे हैं कि दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स वेयर द पीपल वन ऑन वन साइड द पीपल आर ट्रैप्ड इन टू द पुअर्टी, ऑन अदर हैंड द पीपल लाइक शाहूकार पुलिसमैन एंड दिस काइंड ऑफ पीपल आर देयर. बिफोर ही इज अवे ही एक्सेप्ट इट्स नेचुरली एज हिज फादर टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन अ डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheering. I want to be a motor mechanic, he repeats. तो author को खुशी होती है कि ये जो initiative की जो बात है वो कहीं ना कहीं किस में दिख रही है, मुकेश में दिख रही है. और मुकेश यहाँ पर भी ऐसा बोल रहा है, he wants to be a motor mechanic, क्योंकि यहाँ पर to do something differently that can be considered as a dare. I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn
बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक। तो ऑथर ने उसको बताया कि तुम सीखोगे कहाँ से, तो उसने बोला कि मैं गैरेज से सीख लूँगा, बट जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है। मुकेश ऐसा भी बोल रहा है कि वो चल के चला जाएगा। ही इंसिस्ट्स, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन। तो ऑथर उससे एक और चीज़ पूछते हैं, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक है। ही सडनली साइलेंस नो ही सेज, और वो मना कर देता है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड इन ए स्मॉल मर्मर, देर इज नो एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इंटू रिग्रेट। ही कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही हैज सीज हर्टली डाउन टू द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद टाउन, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो यहाँ पे जो मुकेश, वो इसलिए मना कर देता है क्योंकि मुकेश ने कभी भी प्लेन्स के बारे में सोचा तक नहीं है। वो कारों के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसने अपने फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स में वो कारें वगैरह देखी हुई है। आई होप यू गॉट टू नो एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन, लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।